लंपी स्किन वायरस का प्रकोप उत्तर प्रदेश के बिजनौर में तेजी से फैल रहा है। बड़ी संख्या में गौवंश और भैंस लंपी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई पशु लंपी वायरस के संक्रमित हैं। बीमारी को लेकर सरकार काफी गंभीर है, लेकिन पशुपालन विभाग आवारा पशु का टीकाकरण कर उन्हें खुले में छोड़ रहा है। ऐसे में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। कई दूसरे संक्रमित पशु का टीकाकरण न होने से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के नसीबाबाद कृषि उत्पादन मंडी समिति में पिछले काफी दिनों से 30 से 40 आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं, जिनमें से कई पशु लंपी वायरस संक्रमित बताए जा रहे हैं। सूचना पर पशुपालन विभाग की टीम मौके पर तो पहुंची, लेकिन एक ही पशु का टीकाकरण कर उसे भी खुले में छोड़ दिया गया। बताया जाता है कि पड़ोस के लोग ही अपने पशुओं को मंडी में चरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, जो मंडी ना रहकर चारागाह में तब्दील होती जा रही है। व्यापारियों ने संक्रमित पशुओं का टीकाकरण कराने की मांग की है। बिजनौर से संवाददाता जहांगीर भारती की रिपोर्ट। अब जो है लंबी बीमारी का मामला सामने आया है, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई थी। सूचना देने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर आकर एक जानवर के टीकाकरण करके उसको भी खुले में छोड़कर चली गई है, जिससे मंडी समिति में संक्रमण फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है। और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उससे सब्जी और फल का बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर एक गाय लंबी से डिजीज में आ रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आई है। इसके लिए जो एहतियात रखना है उस पर विशेष ध्यान रखना है। एक तो जो पशु बीमार है उनको स्वस्थ पशु से अलग रखना है, और इनको नीम के पानी से, नीम की पत्ती का पानी उबालने के बाद लगाना, सही से लगाना है। नीम की पत्ती का धुआं करना है, और इनको अच्छा खाना, पौष्टिक आहार देना है, ताकि इनकी इम्यूनिटी बनी रहे, और 10 से 15 दिन में बीमारी अपने आप ठीक भी हो जाती है। इनको बुखार रहता है थोड़ा सा।